अगर आप भी घर पर माइक्रोवेव ओवन के अंदर पिज्जा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पे हेयर कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है जिसके अंदर मैं आपको पिज्जा बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर पर अपना पिज्जा रेडी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है बेस की। अगर आप बेस को मार्केट से परचेज किया है आपने तो आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर उसको 30 सेकंड तक आप उसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर बाद में उसकी ड्रॉपिंग कीजिएगा। अगर आप बेस घर पर तैयार कर रहे हैं तो बेस को तैयार करने के बाद उसको आपको माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको 30 से 1 या 2 मिनट तक आपको अच्छे से पकाना ताकि वो अच्छे से पक जाए। बेस रेडी होने के बाद बस अब हमें करनी है उसके ऊपर ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग करने के बाद अब हमें अपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर अपने पिज्जा को अपने रख देना है। आप चाहे पिज्जा को स्टैंड पे भी रख सकते हैं या फिर अपने किसी प्लेट बर्तन वगैरह जो आपका माइक्रोवेव ओवन के साथ आया उसमें रख के आपको 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है। यानी 10 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है और फिर इंस्टेंट बटन को आपको प्रेस कर देना है और फिर सिर्फ 10 मिनट तक आपको वेट करना है। तो आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपका पिज्जा रेडी हो गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कम टाइम में आपका पिज्जा रेडी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 10 मिनट तक रखना ही होगा, उसमें ही आपका पिज्जा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घर पर बैठे हुए हेयर माइक्रोवेव ओवन के अंदर अपना पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं।